अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौजूद सामीन, दुनिया के जिन शहरों की इज्जत और तकरीम है, इनमें से एक शहर यरूशलम बैतुल मुकद्दस है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसा बाइस इज्जत और एहतराम है। यरूशलम बामैनी खुदाई हुकूमत, इसका नाम अल कुद्दस भी है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार, तख्त दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशानात मिलते हैं। इसके अलावा हज़रात अंबियाए कराम की यादगारों के आसार भी मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नौ इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलम सर्द पहाड़ियों के दरमियान वाक़िया है, इसके कई नाम हैं। बैतुल मुकद्दस सुनहरी शहर और अमन का शहर भी कहलाता है। बैतुल मुकद्दस की तारीख इतनी ही कदीम है जिस कदर के नस्ल इंसानी और इसकी तारीख। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन भी कहते हैं। इनका अकीदा है कि ये शहर कयामत तक कायम रहेगा। रोमा के मुतालिक अतालियों का भी यही अकीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीखी असरात बकसरत हैं। सामीने कराम, इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुकद्दस है। अक्सर अम्बियाए कराम इसी शहर में महबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रिक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को साथ लेकर 17 माह तक इसी शहर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए, तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक अम्बियाए कराम की इमामत कराई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर मुकद्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसा में इसराइली फौजों को सुकून बहुत कम मिला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक मुअब्बिद बनाएं, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के अहद में तामीर होगा। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीन होने के बाद 1012 कबल मसीह में इस मुअब्बिद की तामीर शुरू करवाई। ये इमारत उसी जगह तामीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तामीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तामीर में मसरूफ रहे। बाद में ये इमारत हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। हैकल सुलेमानी फन तामीर का एक शाहकार था, जिसकी लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई, जहाँ ताबूत सकीना रखा गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई। इसके साथ ही बनी इसराइल फवाहिश, हरामकारी और अयाशी में मुब्तला हो गए और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजना शुरू कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद रुझान बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि शाह मिस्री शाख ने यरूशलम की तरफ पेशकदमी की और बग़ैर मुज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सुलेमानी और इबादतगाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही खजानों के साथ लूट कर ले गया। हस्किया 700 कबल मसीह से 740 कबल मसीह ने अपने दौर में हैकल सुलेमानी की अजमत को बहाल किया। यहूदियों की पहली कौम की तबाही और बर्बादी बख्त नसर के हाथों 598 कबल मसीह में हुई। इस तबाही में ना सिर्फ हैकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया, बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। बख्त नसर के इस हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। 539 कबल मसीह में ईरान के पहले किसरा ने बाबुल को फतह किया और इसी ने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदियों ने वापस आने के बाद हैकल सुलेमानी की तामीर दोबारा से शुरू की। 1516 कबल मसीह में यह तामीर मुकम्मल हुई। 63 कबल मसीह में हैकल को दोबारा तबाह कर दिया गया, लेकिन हिरोद आज़म के दौर में, जो रोमी शहनशाह के बाजगुजार की हैसियत से यहाँ का बादशाह बना, बैतुल मुकद्दस ने दोबारा सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद की अजमत हासिल कर ली। इस बादशाह ने हैकल सुलेमानी को असर नो अजमत बख्शी। 70 ईस्वी में जब रोमी शहनशाह टेथ्स शहर में दाखिल हुआ और रोमी सिपाही यहूदी का ताकुब करते हुए हैकल के अंदरूनी सहन में दाखिल हुए, तो एक यहूदी ने जलती हुई मिशल हैकल के अंदर फेंक दी, जिससे हैकल में आग भड़क उठी और ये जलकर राख हो गया। और इस मरतबा हैकल की तबाही खुद यहूदियों के हाथों हुई। 135 में जब दोबारा हैकल तैयार हुआ, तो रोमियों ने इसे गिराकर
इसकी जगह हल चला दिए। 136 ईस्वी में रोमी शहंशाह हेड्रेन ने इसे दोबारा आबाद किया और इस शहर का नाम पहले इलिया और फिर कैसिटोलिना करार दिया। इस बात को माहिरीन आसार कदीमा तस्लीम करते हैं कि हेरोद का तामीर करदा हैकल तबाह हो जाने के बाद सदियों तक इसी जगह पर मलबे और गलाजत के ढेर पड़े रहे। यहूदियों से लोग नफरत की बिना पर कूड़ा करकट इसी जगह फेंकते थे। चुनाची हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में जब मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, इस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई मोहब्बत न था बल्कि यहाँ खंडरात थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद की तामीर हुई। एक कदीम सियाह आर्कलिफ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया है जो 670 ईस्वी में मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुकद्दस भी आया था। इसी सादा सी तामीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सा की बुनियाद उठाई, जिसे वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मुकम्मल करवाया। वो मुकद्दस मुकामात जिनकी बदौलत ये मुकद्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की अकीदतों का मरकज़ है, अक्सर व बेशतर शहर की मशरकी पहाड़ियों पर एक अहाते में है, जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल लम के नाम से पुकारते हैं। ये बैतुल मुकद्दस का मुकद्दस तरीन हिस्सा कहलाता है। पहली सलीबी जंग के बाद सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने मस्जिद को हॉस्टल बना दिया और मस्जिद का नाम मोहब्बत सुलेमान रख लिया और इसी मस्जिद के साथ एक गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने किबला अवल की आज़ादी के लिए सलीबी जंगें लड़ी। बिलाखिर 1187 में सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों से आज़ाद करा लिया। इसके बाद सलीबियों ने यके बाद दीगरे 4 सलीबी जंगें लड़ी, लेकिन सलीबी बैतुल मुकद्दस के मुसलमानों से हासिल ना कर सके। 1229 ईस्वी में ममलूक हुक्मरान अलकामिल ने बैतुल मुकद्दस को बगैर लड़े ही जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन इसके सिर्फ 15 साल बाद ही सल्तनत ख्वारज़्म ने यह शहर दोबारा से फतह किया और इसके बाद अगले 673 साल तक ये शहर मुसलमानों के पास रहा। इसके बाद सन 1517 में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान सुल्तान सलीम अव्वल ने बैतुल मुकद्दस को रियासत का हिस्सा बना लिया, जिसके बाद किबला अव्वल 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना रहा। इस दौर में भी यहूदियों ने पूरी कोशिश की कि वो बैतुल मुकद्दस में अपनी आज़ाद रियासत कायम कर सकें, लेकिन उस्मानी सुल्तानों ने यहूदियों को ऐसा करने से बाज किए रखा। बिलाखिर 11 दिसंबर 1917 को बरतानवी जनरल एलन बी ने मुसलमानों को शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, जिस पर पूरी मगरबी दुनिया में जश्न मनाया गया। इसके बाद अगली 3 दहाइयों तक बैतुल मुकद्दस बरतानवी सल्तनत के पास रहा और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर इस शहर में बसाया जाता रहा। 29 दिसंबर 1947 को अक्वामे मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को तकसीम करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत फ़लस्तीन के 2 हिस्से किए गए, मशरकी हिस्सा फ़लस्तीन जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। 14 दिसंबर 1948 को मगरबी फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हुए और उन्होंने इसराइल से जंग की, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को शिकस्त हुई और मशरकी हिस्से को भी उर्दन के हवाले कर दिया गया और इस हिस्से पर भी 1967 में इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस कब्जे को आज तक अक्वामे मुत्तहिदा गैर कानूनी करार देती है। इसराइल ने 1950 से ही बैतुल मुकद्दस को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया है। एक लंबे अरसे तक मुसलमान ममालिक ने इसराइल के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन बदकिस्मती से माजी करीब में बहुत से इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि बैतुल मुकद्दस में अपने सिफारतखाने भी खोल लिए हैं। आए रोज यहूदियों का एक छोटा सा मुल्क नेते फ़लस्तीनियों पर अपने मजालिम में इजाफा कर रहा है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर रोज़ ब रोज़ कब्ज़ा किया जा रहा है और इस सब की वजह मुसलमान ममालिक का आपस में दस्तों गिरेबाँ होना है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर से हमें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसा सुल्तान अता करे ताकि हम बैतुल मुकद्दस को दोबारा यहूदियों से आज़ाद कर सकें। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो किबला अव्वल
बैतुल मुकद्दस की तारीख के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और दबाव से इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।